नजर डालेंगे दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। ब्राजील के जनूबी शहर बर्सिक से ताल्लुक रखने वाले 100 साल शख्स ने एक ही कंपनी में 84 साल तक मुलाजमत करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 100 साल वाल्टर आर्थ मैन ने 1938 में हर्सिक में एक मामूली से कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू की, जो आज बहुत मशहूर हो चुकी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद वाल्टर आर्थ मैन ने नौकरी के मुतलाशी नौजवान को मशवरा दिया कि जिंदगी में वो करें जो आपको पसंद है और जंक फूड से दूर रहें। उनका कहना था कि आपको अपने काम से प्यार करना होगा। मैंने भी इसी ख्वाहिश और जज्बे के साथ काम करना शुरू किया था और देखते ही देखते कामयाबी मिलती गई। अमेरिका में दुल्हन को शादी की तकरीब में आए मेहमानों के साथ मजाक करना महंगा पड़ गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक शादी की तकरीब में मेहमानों को बगैर बताए खाने में भंग मिलाने का इल्ज़ाम में दुल्हन और खाना बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केटरिंग कंपनी की 31 साल मालिक जोसेलन बैरेंट और 42 साल दुल्हन दानिया सोबोदा को फ्लोरिडा के कानून के तहत मनशियात की तरसील और मुजरमाना गफलत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मियारी फुटेज के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल आम होने के साथ साथ सिक्योरिटी मसाइल भी पैदा कर रहा है। तहम इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए भी ड्रोन ईजाद कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अहम तरीन ईजाद यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया के एक मौजद के काविश से है। इस जाने वाले ड्रोन को ड्रोन इंटरसेप्टर का नाम दिया गया है। ड्रोन बर्क रफ्तारी से निकलता है और सामने मौजूद छोटे क्वाड कॉप्टर को अपने जाल में फंसा लेता है। इसका कैमरा मुसलसल दुश्मन ड्रोन का बसरी ताकुब करता रहता है और यूं तेजी से ऊपर उठकर अपनी पंखड़ियां खोलकर जाल फैलाता है और दूसरे ड्रोन के गिर्द घेरा तंग करके उससे नीचे पटक देता है।